अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल वी फ्रेंड। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको रंगी रेलवे स्टेशन के बारे में बताएंगे कि इस स्टेशन पर क्या काम हो रहा है और क्या अपडेट्स हैं इसकी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टेशन पर वॉशरूम बनाए जा रहे हैं जिनका काम तेज़ी से जारी है और कोशिश ये है कि ये वॉशरूम जल्द से जल्द बना दिए जाएँ और इस रेलवे स्टेशन को फंक्शनल कर दिया जाए। ट्रैक के हवाले से ये अपडेट है कि ट्रैक को मज़ीद बेहतर किया जा रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको एक नदी का ब्रिज भी नज़र आ रहा है, इस ब्रिज के ऊपर भी वर्किंग हो रही है ताकि इसकी मज़ीद जो हालत है वो बेहतर की जा सके। इस क्लिप में आप नाज़माबाद बड़ा मैदान का फाटक देख रहे हैं जिस पर अभी काम शुरू नहीं किया गया। इस हवाले से रेलवे हुकाम का कहना है कि इस पर भी काम जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी जो आपको ट्रैक नज़र आ रहा है वो नाज़माबाद के इलाके का है और यहाँ काफ़ी सारी इंक्रोचमेंट्स थी जो क्लियर कर दी गई हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मज़ीद आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक आपको नज़र आ रहा है और ट्रैक को क्लियर कर दिया गया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ ट्रैक पे काफ़ी आपको कचरा नज़र आ रहा है जो कि सफ़ा कर दिया जाएगा और आपको एक ब्रिज भी नज़र आ रहा है जो कि लोगों की क्रॉसिंग के लिए बनाया गया था और इसकी हालत भी काफ़ी बुरी हो चुकी है, इसको भी रिपेयर मेंटेन किया जाएगा। इस पॉइंट पे एक छोटा सा फाटक भी मौजूद है जिसके दोनों तरफ सिक्योरिटी गेट लगाए जाएंगे ताकि किसी किस्म का कोई हादसा पेश ना आए। मज़ीद आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रैक कहीं कहीं से मिट्टी में धंस चुका है जो कि सफाई के बाद क्लियर कर दिया जाएगा और यहाँ पत्थर वगैरह डाले जाएंगे ताकि इस ट्रैक को इस काबिल बनाया जा सके कि इस पर ट्रेन चल सके। ये जो रेलवे क्रॉसिंग आपको नज़र आ रही है ये नाज़माबाद रेलवे स्टेशन की है। अगर आप आवासी अस्पताल से पापोश की तरफ जाएँ तो रास्ते में आपको ये नज़र आएगी। इस पर भी काम जारी है और इसको भी दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा और गेट आपको नज़र आ रहे होंगे, सिक्योरिटी गेट वगैरह जो यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन इनको भी दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा और इनको मज़ीद बेहतर किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।